नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप देख रहे हैं हम भारत के लोग, वो शो जो आपकी बात करता है, आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाता है। और इसीलिए इस शो का नाम हमने हम भारत के लोग रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत बनता है लोगों से। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बगैर वक्त गवाए अब बात करेंगे आज की बड़ी कहानियों की, जिस पर हम सीधे तौर पर आज फोकस करने वाले हैं। बात करेंगे आज सबसे पहले संसद में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जिसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। दो दिन पहले स्पीकर ने मंजूरी दे दी है, लेकिन बिल संसद में लगातार पास हो रहे हैं। तो बिल पास होना क्या जायज है या नाजायज, इस मुद्दे को आज हम उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी स्टोरी कैंसर से जुड़ी हुई है। देश में कैंसर के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं और कैंसर से होने वाली मौतों में भी बहुत इजाफा हो रहा है। साथ बुरी खबर यह है कि इलाज का खर्चा भी आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक विस्तृत रिपोर्ट, बने रहिए मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे तीसरी बड़ी स्टोरी के तौर पर, विपक्ष के 20 नेताओं का दल मणिपुर जाएगा, लेकिन यात्रा पर नमो वर्सेस विमो यानी विपक्षी मोर्चे के बीच अब तलवारें खिंच चुकी, यानी यात्रा पर भी घमासान शुरू हो चुका है। सबसे पहले आइए बात करते हैं आखिरकार क्यों विपक्ष जो है वो इस वक्त सरकार के साथ परेशान चल रहा है। विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ दो दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, आपको पता होगा, उस पर उसको एक्सेप्ट भी स्पीकर ओम बिरला ने कर लिया। लेकिन अभी स्पीकर ने यह तारीख तय नहीं की है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस किस दिन की जाएगी, लेकिन विपक्ष को इस बात पर बहुत आपत्ति हो रही है। तमाम विपक्ष के नेता इस बात को बोल रहे हैं कि सरकार धड़ल्ले से लोकसभा में बिल पर बिल पास कराए जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी, वो हम आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये आंकड़े दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो अविश्वास प्रस्ताव आए हैं उसमें कितना समय लगा है। कानून ये कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव जब एक बार एडमिट हो जाता है तो 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम आपके सामने बीते 6 अविश्वास प्रस्ताव रख रहे हैं। 1987 में जो प्रस्ताव आया था उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ, जिसको सी माधव रेड्डी लेकर आए थे, वो जिस दिन आया उसी दिन उस पर बहस शुरू हो गई। 1992 में जसवंत सिंह, तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उसमें 6 दिन के बाद चर्चा शुरू हुई। 1992 में ही एक बार एक और अविश्वास प्रस्ताव आता है नरसिम्हा राव के खिलाफ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी लेके आते हैं, और वो भी उसी दिन चर्चा शुरू हो जाती है। 1993 में अजोय मुखोपाध्याय, जो कि लेफ्ट के नेता रहे, वो नरसिम्हा राव के खिलाफ तीसरा विश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस पर भी उसी दिन चर्चा शुरू हो जाती है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो सोनिया गांधी विपक्ष की नेता होने के नाते अपना अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं, उस पर भी चर्चा उसी दिन शुरू हो जाती है। सारा कामकाज रोककर स्पीकर ने उसी दिन चर्चा शुरू कर दी। 2018 में जब नरेंद्र मोदी की पहली सरकार चल रही थी, उसमें एक और अविश्वास प्रस्ताव आया जिसको श्रीनिवास केसीमोनी लेकर आए थे, वो उसमें 2 दिन के बाद स्पीकर ने इजाजत दी थी चर्चा शुरू होने की। तो अब तक के पार्लियामेंट्री इतिहास में करीब 27 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और सबसे अधिक वक्त जो लिया गया है वो 6 दिन का है, नरसिम्हा राव के वक्त में जब स्पीकर ने चर्चा की तारीख तय की थी। इतना समय नहीं हुआ है अमूमन। इस बार कितना समय होगा, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, अब सोमवार को तय होगा कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव किस दिन आना है। तो मंगल को आएगा, बुध को आएगा या बृहस्पति को आएगा, वो भी 3-4 दिन का गैप हो जाएगा। लेकिन इस बीच में खबर यह है कि विपक्ष क्यों नाराज है। विपक्ष दरअसल इसलिए नाराज है क्योंकि लगातार लोकसभा में बिल पास किए जा रहे हैं, एक के बाद एक कई सारे बिल आ चुके हैं। विपक्ष का क्या कहना है, विपक्षी क्या आपत्तियां हैं, वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है, जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। मौजूदा प्रस्ताव को मिला लें तो अब तक 28 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। एक दिलचस्प ग्राफिक्स आपके सामने रखता हूं कि किन प्रधानमंत्रियों के सामने कितने कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे काफी लंबे अरसे तक, उनके खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया। आगे बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, उनके खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, उनके मतलब उनकी सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी जो सबसे लंबे टेन्योर तक देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके खिलाफ 15 बार, सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। मुरारजी देसाई जो कि उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं,
मुरारजी देसाई के खिलाफ भी दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आ जाती है और राजीव गांधी की सरकार के वक्त में एक बार 1984 से 89 के बीच में अविश्वास प्रस्ताव आता है। फिर पीवी नरसिम्हा राव 91 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 96 तक रहते हैं, उनको तीन बार अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक बार, जो उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो कि सोनिया गांधी लेकर आई थी, जैसे कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया। और अब नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो 9 साल के कार्यकाल में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्ष लेकर आ रहा है। तो अब तक के अगर इतिहास को देखा जाए, तमाम प्रधानमंत्रियों के सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ आया है, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है। 15 बार, सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी को विश्वास प्रस्ताव को झेलना पड़ा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। देखो, बिल और बिल पास अगर वो उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का कहे जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग ले लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है। देखिए, लोकसभा के रूल में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है जो ये कहता है कि कोई भी चीज नहीं आना चाहिए है उसमें, कोई बिल हो या दूसरी कोई चीज हो, ऐसा तो कानून रूल में तो है नहीं। लेकिन एक कन्वेंशन है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है और हाउस उसकी अनुमति देती है तो उसके बाद जब तक इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते तब तक गवर्नमेंट कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लेके ना आए हाउस में, तो इसका मतलब है कोई मेजर लेजिस्लेशन बिल्स वगैरह लेके ना आए, तो यही एक कन्वेंशन है। और आइए अगली स्टोरी पर हम बात करते हैं जो कि और महत्वपूर्ण चीज, और वो बात है कैंसर की बढ़ती हुई घटनाओं की। कुछ सरकारी आंकड़े आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। मौजूदा दौर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अगर हम किसी को मानते हैं तो देश में मेडिकल साइंस की प्रगति को मानते हैं, और दवाओं और टीकाओं का जितना जितना इजाफा होता जा रहा है उतना लगता है कि हम बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है। कैंसर के खिलाफ बहुत से आविष्कार हो रहे हैं, दवाइयां बनाई जा रही हैं, कीमोथेरेपीज निकाली जा रही हैं, लेकिन अभी भी कैंसर को जानलेवा बीमारी कहा जाता है। जानलेवा भी है और जेब पर भी सबसे ज्यादा खर्चा कोई डालती है तो यही बीमारी है। कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं जो सरकार ने बाकायदा संसद में पेश किए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं जो कि SPS बघेल जो कि राज्य मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, उनकी तरफ से आंकड़े पेश किए गए। ये देखिएगा, 2020 में 13,92,189 लोग थे वो कैंसर से पीड़ित होते हैं। 2021 में ये संख्या और बढ़ जाती है, 14,26,447 हो जाती है, और 2022 आते आते संख्या और बढ़ती है, 14,61,427 मरीज देश में पाए जाते। नहीं, बीते 3 सालों में 2021-22 में कैंसर के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो ही मरीजों की बात, अब बात करते हैं कैंसर को कोई जानलेवा बीमारी कहते हैं तो क्यों उसको जानलेवा कहा जाता है, ये आंकड़े आपको समझाएंगे। 2020 में 7,70,230 मौतें कैंसर की वजह से होती है इस देश में, 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558। ये आंकड़े हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कैंसर किस तरीके से खतरनाक बीमारी अपने देश में हो चुकी है, और शायद इसीलिए कैंसर से लड़ने के लिए, बचने के लिए इलाज के बारे में भी बहुत सी बातें की जा रही हैं। अब आपके सामने इलाज को लेकर भी कुछ तस्वीर जरूर रखना चाहूंगा।
कैंसर का रोग जानलेवा होता है, लेकिन समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इलाज बहुत मुमकिन है। लेकिन ये बीमारी शरीर के मरीज के शरीर को बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं पहुंचाती, उसके पूरे परिवार को ही चोट पहुंचाती रही है। जब मैं पूरा परिवार कहता हूं तो मरीज तो एक होता है, लेकिन जो बोझ आता है मानसिक तनाव का, आर्थिक तनाव का, वो पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। सारी जमा पूंजी परिवारों की खत्म हो जाती है। सरकारों की तो कोशिशें रही हैं कि कैंसर के मरीजों को मदद पहुंचाएं, लेकिन पहले आंकड़े पेश करते हैं कि अमूमन कितना खर्चा आता है। मोटा मोटा आंकड़ा यह है कि 3,30,000 रुपए का सालाना खर्च एक मरीज को उठाना पड़ता है इस बीमारी से जूझने के लिए। मरीजों के खर्च का अगर मैं आंकड़े पेश करूं, 36% हिस्सा टेस्ट पर जाता है, यानी इलाज का जो खर्चा है वो 36% पैसा सिर्फ उसके कैंसर का टेस्ट कराने में निकल जाता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की दवाओं पर 45% का खर्चा आता है। बीमा अगर हो तो भी सालाना 3.5 लाख के आसपास, 3,30,000 के आसपास का वार्षिक खर्चा हमने नोट किया है। भारत के बड़े अस्पतालों में 12,000 कैंसर मरीजों पर यह स्टडी की गई है, उसके ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। रोगियों के औसतन हर डॉक्टरी सलाह के 8,000 रुपए तक लगते हैं, यानी कोई 200-500 की बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर से परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, 8,000 रुपए डॉक्टर की फीस है ऑन्कोलॉजिस्ट की। हर बार अस्पताल में अगर भर्ती होना पड़ता है, क्योंकि बार बार कैंसर आपको खींचकर अस्पताल ले जाता है, हर भर्ती पर अमूमन एवरेज जो स्टडी में निकल कर आया 39,000, करीब 40,000 रुपए आपकी जेब से निकल जाते हैं अस्पताल में भर्ती होने पर। 60% आउट पेशेंट रोगियों, 62.8% भर्ती हुए मरीजों का बीमा अमूमन देखा गया, इनका बीमा होता है। अधिकतर स्वास्थ्य बीमा योजनाएं देती हैं मरीजों के जो बिल आते हैं वो स्वास्थ्य बीमा रोगियों की जो इंश्योरेंस है उनके जरिए वो खर्चा निकाला जाता है। भर्ती के मरीजों में भी शुरुआती जांच के पैसे नहीं मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुरुआत में भर्ती पेशेंट होते हैं उनको बीमा कंपनियां पैसे शुरुआती जांच के नहीं देती हैं। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत की, बहुत बात सरकार करती है। आयुष्मान भारत पीएम जय कैंसर पैकेज में आउट पेशेंट मरीज शामिल होने चाहिए ऐसा कि कहा गया है। ये स्टडी जो की गई है वो फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ की स्टडी है और ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैंसर का रोग भी लगातार मरीजों को परेशान कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को भी, उनके परिवार को भी। इसी बारे में कैंसर के जो इलाज इतना महंगा है हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये भारत, हम भारत के लोग, आपका शो है। क्या ये खर्चा कम हो सकता है, क्या कैंसर का इलाज आसान हो सकता है, यही जानने के लिए हमने दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, आपके देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के जो बड़े डॉक्टर है कैंसर के विभाग के, डॉक्टर रथ, उनसे बात किया। ये सुनते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हमारे पास जो सब पेशेंट आते हैं ना, कहीं भी आते हैं पूरा कंट्री में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, 75% किसी ना किसी स्कीम में इंक्लूडेड है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे उनका अपना इंश्योरेंस है। और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जो आपको पता है जहां मैं करता था 21 तक, एम्स जो है वहां तो टोटल फ्री है। एम्स का एक ब्रांच आजकल झज्जर में भी खुला हुआ है पिछले 6 साल से, वहां टोटली फ्री है। और जो सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं 75% किसी ना किसी स्कीम में है। तो इतना जो पहले भावा था कि कैंसर बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी कैंसर पेशेंट खर्चे की वजह से ट्रीटमेंट उसका नहीं होता, ऐसा हमने नहीं देखा। आप अगर बात करेंगे, कुछ नया दवाई निकला हुआ है जैसे जो इम्यूनोथेरेपी, वो काफी एक्सपेंसिव है, वो तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हम आज दिखा रहे हैं लेकिन होने वाला कल है। ये बात मैं कर रहा हूँ विपक्षी मोर्चा यानी INDIA की, विपक्षी मोर्चा यानी इंडिया का जो मोर्चा है उसकी एक टीम, 20 सदस्यीय टीम मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए कल और परसों 2 दिन मणिपुर में रहने वाली है। 20 नेता इसमें जा रहे हैं, इंडिया का जो गठबंधन है उसके जुड़े हुए। कौन कौन नेता हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन इस यात्रा को लेकर भी दोनों पक्षों में जबरदस्त तरीके से अब जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है। ये नेताओं के नाम स्क्रीन पर आते रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी जो कि विपक्ष के नेता हैं, इस मोर्चे की जो मणिपुर जा रहा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं। गौरव गोगोई जिन्होंने मूव किया है अविश्वास प्रस्ताव, वो भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। इसमें TMC के नेता भी हैं, JDU के नेता भी हैं, इसमें NCP के नेता भी हैं, यानी INDIA में जितनी 26 पार्टियां हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस मोर्चे में हैं और वो मणिपुर जाकर 2 दिन तक इम्फाल में भी रहेंगे। और उनका ये कहना है कि हम उन कैंप्स में भी जाएंगे जहां पर दोनों कम्युनिटीज, चाहे वो मेथी हो चाहे वो कुकीज हो, उनको
रखा गया है उनके लिए राहत का काम सरकार चला रही है, ये जानने के लिए ये तमाम नेता एक साथ सामूहिक तौर पर जा रहे हैं। लेकिन जाना तो ठीक है, विवाद इस पर शुरू हो गया है कि आखिरकार ये विपक्ष के जो नेता हैं ये मणिपुर जाकर करना क्या चाहते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं की गई है, सरकार ने कहा है जहां जाना है जाएं, देश में आजादी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि क्या ये वहां जाकर माहौल को खराब कर सकते हैं, जैसा कि राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के बाद भी बीजेपी ने लगाया था। क्या कहना है दोनों पक्षों का, ये फेस ऑफ देखते हैं। अरे भाई जाएं ये लोग, तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाए। मणिपुर की इस परिस्थिति को लेकर इस तरह का बयान आना बीजेपी के फितरत में है। ना देश के गृह मंत्री और ना देश के प्रधानमंत्री समझ पा रहे हैं कि मणिपुर की इस समस्या का समाधान क्या है। तो सुना आपने दोनों तरफों से, इस यात्रा को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनेताओं को मौका चाहिए होता है राजनीति करने का, लेकिन फैक्चुअल स्थिति भी आपको बतानी बहुत जरूरी है। मणिपुर में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार के क्या दावे हैं। एक हलफनामा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया जिसकी हियरिंग आज होनी थी पहले, लेकिन अब टलकर मंडे को हो गई है क्योंकि चीफ जस्टिस आज मौजूद नहीं थे। क्या कहा गया इस हलफनामे में सरकार की तरफ से कि हमने जो विवादित वीडियो था उसका हमको पता लग गया कि वीडियो किस मोबाइल से आया, और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वीडियो बनाने वाले मोबाइल को बरामद करने का दावा भी सरकार ने अपने एफिडेविट में किया है। जिस व्यक्ति ने इस रिकॉर्ड किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो वीडियो जो शूट हुआ है महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाला, उसको शूट करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का दावा इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने किया है। केस का मुकदमा, सरकार ये कह रही है कि मणिपुर से बाहर चलाया जाए, हम ये चाहते हैं, नहीं बाहर चाहते हैं मणिपुर के बाहर। सरकार की कोशिश ये कि असम या किसी और राज्य में पूरे मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती हुई दिखाई दे रही है। सरकार का ये भी दावा है कि बीते करीब 10 दिनों से मणिपुर में कोई भी मौत की खबर नहीं आई है हिंसक वारदातों की वजह से। हिंसक वारदातें भले ही चल रही हैं लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आपको याद होगा मई के आखिरी वक्त में गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था, वो 3 दिन तक रुके थे, उन्होंने एक पीस कमेटी बनाई थी जो कि गवर्नर की अगुवाई में थी। उस पर भी क्या एक्शन सरकार ले रही है, हालांकि उस पर कोई बहुत इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। उस बारे में भी सरकार ने कहा कि हम हालात को सामान्य करने की कोशिशें तमाम पहलुओं के जरिए, चाहे वो इंटरनेट को सीमित तौर पर अलाउ करना हो, चाहे स्कूल खोलने की बात हो, चाहे रेलवे को एक ट्रैक पर चलाने की बात हो, ऐसे कदम सरकार ने उठाए हैं ताकि जल्दी से जल्दी मणिपुर में हालात सामान्य किए जा सके। और आइए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले आपको बता दें कि उस पार क्या है। पंजाब से दरअसल आज एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, खबर तो बाढ़ की है लेकिन बाढ़ में एक सुखद खबर निकल कर आई है। बने रहिए मेरे साथ, ब्रेक के उस पार आपको दिखाता हूं। आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर हम भारत के लोग, क्योंकि बात भारत के लोगों की है तो अब आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर वाकई में आपके भी आंसू आ जाएंगे। ये आज की वीडियो ऑफ द डे है। अब मैं क्यों इसको वीडियो ऑफ द डे कह रहा हूँ इसको समझिए। पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब में बारिश आई, बाढ़ आई, बाढ़ आने से लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन इस बाढ़ ने तमाम लोगों के ऊपर कहर बरपाया होगा, लेकिन एक परिवार में खुशियाँ ये बाढ़ लेकर आई है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करने वाली इस बाढ़ ने एक अच्छी खबर ये सुनाई जो पंजाब से आ रही है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान एक वॉलेंटियर हैं जगजीत सिंह, वो 35 साल के बाद, माफ करिएगा, अपनी माँ से मिल जाते हैं। पटियाला के बोहरपुर गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के दौरान जगजीत सिंह अपनी माँ हरजीत कौर से मिले। देखिए इस तस्वीर को, माँ के आंसू, माँ की खुशी, माँ का पागलपन अपने बेटे से 35 साल के मिलने के बाद। जब जगजीत 6 महीने के थे, पूरी कहानी दरअसल ऐसी है, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और जगजीत को उनके दादा दादी अपने साथ उनके साथ घर ले गए थे। तब से लेकर अब करीब 3 दशकों के बाद अब जगजीत की मुलाकात अपनी माँ से होती है, वो भी तब जो कि वो बाढ़ राहत काम में वॉलंटियर बनकर उसी गाँव में पहुँचते हैं।
एक दूसरे को पहचानते हैं और फिर तो ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है। ये माँ की खुशी के आंसू थे, खुशी का पागलपन था, अपने बेटे से वो 35 साल के बाद अचानक मिलती है। तो आज हम भारत के लोग में मेरे साथ इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। मुझको दीजिए इजाजत, गुड नाइट।